हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन है जो आप लोगों की लाइफ में एंटर हो रहा है। सो और क्यों हो रहा है, हम ये भी देखेंगे। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें, देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई। सो सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज करूंगी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करिए, कलेक्टिव एनर्जी कौन है, यूनिवर्स की लाइफ में कौन एंटर हो रहा है, हु इज एंटरिंग इन माय यूनिवर्स लाइफ, रीडिंग को देख रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव ऑटम, हो सकता है आप इस पर्सन से या तो ऑटम में मिलोगे या फिर ऑटम में मिले थे कुछ लोग। ऑटम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीजन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, इतने सारे कार्ड हैं सो मैं ये नहीं लूँगी। हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, सो वी हैव डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन, डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो ऑलरेडी आपको डिसेप्शन करके गया, धोखा देकर गया है, बट राइट नाउ ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, हो सकता है ये पर्सन आपको ऑटम में छोड़ के गया था, ऑटम में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अब ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी टेम्पटेड हो रहा है आप लोगों की तरफ, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप लोगों को लेकर इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस पर्सन की नज़र आप लोगों के ऊपर है, मुझे लग रहा है ये पर्सन की शेडो सेल्फ है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी डिसेप्टिव, धोखेबाज, झूठा। ये पर्सन का स्किन टोन हो सकता है काफ़ी डार्क हो सकता है। अट्रैक्शन मार्स हॉट, नाउ दिस पर्सन डेफिनेटली इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन हो सकता है एरिस, इस पर्सन का स्टार साइन मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्स की एनर्जी है। इस पर्सन का प्लैनेट एरिस इन मार्स हो सकता है, बट ये पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है। इस टाइम ऐसी टेम्पटेशन हो रही है कि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी अंदर से टर्न ऑन हो रही है आप लोगों को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर हॉटनेस आपको देख रहा है। मे बी आप लोग इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि इस पर्सन को काफ़ी सेक्सी दिख रहे हो, काफ़ी चार्मिंग दिख रहे हो, दैट्स वाई इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वाली है, काफ़ी हॉट है। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन वापस इसे नहीं आना चाहता है क्योंकि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा, इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। या तो ये ऑटम में आपको छोड़ के गया, इसने ऑटम में आपको धोखा दिया, या फिर ये पर्सन ऑटम में आपके पास आएगा। या बट ये जो भी इंसान है ना गाइज, इस टाइम ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इसने आपको कोई ना कोई धोखा तो दिया, लेकिन स्टिल इस पर्सन की नज़रें आप लोगों के ऊपर हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपको धोखा तो दिया इस पर्सन ने, लेकिन स्टिल ये जो पर्सन आप लोगों से चाहता था, टेम्पटेशन जो हो रही है, ये जो आपसे चाहता था, वो इसकी टेम्पटेशन पूरी नहीं हुई आप लोगों से। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। सो इसकी ना टेम्पटेशन पूरी नहीं हुई वो आप लोगों से, बट दैट्स वाई ये अभी भी इस पर्सन की स्टिल कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर है जो इसकी इनकम्प्लीट रह गई थी, जो आप लोगों को लेकर पूरी करना चाहता था, बट आई थिंक ये दोबारा इसीलिए वापस आ रहा है, आना चाह रहा है आपकी तरफ, क्योंकि आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है इस पर्सन को। वी हैव कंट्रोल एंड टैक्टिक्स, ओ माई गुडनेस। सो गाइस, मुझे एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है कि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम ये पर्सन आप लोगों को लेकर अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा गाइस, ठीक है। तो राइट नाउ ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, दे आर प्लानिंग अगेन टू कम बैक आपकी लाइफ में, दोबारा एंटर होने के लिए, दोबारा वापस आने के लिए ये इंसान कोई ना कोई प्लान बना रहा है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, प्लान एंड प्लॉटिंग कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी एक टैक्टिस है, लाइक ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि किस तरह से ये दोबारा से वापस आए, ताकि ये पर्सन दोबारा आपको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि इसकी डिज़ायर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। डिसेप्शन की एनर्जी है, ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को इस टाइम टर्न ऑन कर रहे हो, इस पर्सन की फीलिंग्स को, इस पर्सन की सेक्सुअली डिज़ायर्स को, इस पर्सन की टेम्पटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा कि ये वापस आना चाहता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को, ठीक है। तो ये जिस तरह से मुझे लगता है पहले शायद ये पर्सन आपको कंट्रोल पहले भी नहीं कर पाया था डेफिनेटली, और इस बार इसको लग रहा है कि दोबारा वापस जाके जो है
ट्राई करना चाहिए, इसीलिए ये पर्सन एंटर होना चाह रहा है। लेकिन ये जो भी है गाइस, इस टाइम प्लेट जो एक प्लानिंग और प्लॉटिंग है ना वो चल रही है, स्ट्रेटजी चल रही है इस पर्सन की। अगेन ये पर्सन आना चाह रहा है आपकी तरफ, आपको कंट्रोल करना चाह रहा है दोबारा से। पहले भी ये पर्सन चले गया था आपको धोखा दे के, यहाँ तो चले गया था, या फिर अगर ये कुछ लोगों का लाइफ में न्यू पर्सन है तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ अट्रैक्शन है, एक सिर्फ और सिर्फ यू नो वही सेक्सुअल स्टफ करने आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे एनर्जी अभी तक कुछ ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि ये पर्सन वाकई कोई जेन्युइनली आप लोगों से कोई लव लेकर आ रहा है। नो, इट्स अ टेम्पटेशन, अट्रैक्शन, आपको कंट्रोल करने की एनर्जी है इस पर्सन की। वी हैव रिमेम्बरेंस एंड अवेकनिंग, यस, ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक सेक्चुअली डिज़ायर्स है जिसको ये पर्सन पूरा करना चाह रहा है। आपको याद भी ये पर्सन इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी याद सता रही है इस पर्सन को। वी हैव एक्शन, करेज, जुपिटर, बिगनिंग्स, या ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में आपको कंट्रोल नहीं कर पाया था, ठीक है, लेकिन अब दोबारा ये पर्सन वापस आना चाह रहा है आप लोगों के लिए। बहुत से काम लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन कुछ सीरियस होगा, अदरवाइज ये एंट्रिंग इसीलिए करना चाह रहा है आपकी लाइफ में ताकि आपके साथ जो भी इस पर्सन की डिज़ायर्स पहले इनकम्प्लीट रह गई थी या अधूरी छोड़ गया था, शायद आप इस पर्सन को जान गए थे, जल्दी जान चुके थे कि ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ एक झूठा है, एक लॉयर है, एक डिसेप्टिव है, एक चीटर है, बहुत ही स्नीकी पर्सन है, आप जल्दी जान गए थे। तो जो चीज़ें इस पर्सन की बाकी लेफ्ट ओवर रह गई थी ना, ये इसीलिए दोबारा पूरी करने आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन जज्बा बहुत है इस पर्सन के अंदर, आपको दोबारा ये पर्सन स्ट्रेटजी बना के ना अपने जाल में ट्रैप करने की कोशिश करेगा, फंसाने की दोबारा कोशिश करेगा। गाइस, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन आपको एक्शन लेकर यही शो कराएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही आप लोगों के पीछे मरा जा रहा है, ऐसी एनर्जी आपको दिखाएगा कि बहुत याद करता रहा है ये पर्सन आपको। वी हैव पास्ट लैक सफरिंग, या पास्ट में इस पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है किसी भी तरह से, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी है, इसने धोखा दिया है तो उस वजह से ये पर्सन काफ़ी सफ़र कर रहा है, दैट्स वाई आपको याद कर रहा है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, कुछ लोगों की तरफ से मुझे नेगेटिव है, इट्स अ यू नो 50-50 एनर्जी। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ डिसेप्शन वाली है स्टिल अभी भी, एंड 50% ऐसे हैं जो आपको याद कर रहे हैं जेन्युइनली, उनको आपको धोखा देने का, आपको जो भी छोड़ के गए हैं उसका बहुत अफसोस है, आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत याद कर रहे हैं। राइट नाउ उनका एक अवेकनिंग का टाइम चल रहा है और वो आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपको धोखा दे के आपके साथ बहुत गलत किया है, दैट्स वाई वो न्यू बिगनिंग करने के लिए एक हौसला अपने अंदर लेकर आ रहा है। ये पर्सन अपने अंदर इतना पावर लेकर आ रहा है, इतना करेज लेकर आ रहा है कि आपकी तरफ एक्शन ले पाए, बिकॉज हो सकता है पास्ट में किसी तरह से इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हो, ठीक है, लेकिन इसने आप कंट्रोल में नहीं आए, या जो चीज़ें ये आपसे चाहता था आपने इसकी वो डिज़ायर्स पूरी नहीं की, जिसकी वजह से आपको छोड़ के ही कहीं और चले गया, आपको धोखा दिया, तो अब ये वापस आना चाह रहा है उस चीज़ों की। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, ये उस चीज़ों से तकलीफ से गुजर रहा है खुद भी, ठीक है, आपकी कमी हो रही है इस पर्सन को महसूस, दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं। बट कुछ लोग जो हैं वो पहले भी आपको छोड़ के गए थे, धोखा देकर गए थे, झूठ बोल के गए थे, आपके साथ स्नीकी बिहेवियर करके गए थे, स्टिल वो भी आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। मे बी आप लोग इस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, दैट्स वाई वी हैव वीनस ऑफर, यस। कुछ लोग आपको यहाँ पर डेफिनेटली लव ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको रोमांस ऑफर करना चाहता है, इसका वीनस एनर्जी लव रोमांस, आपकी ब्यूटी इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है, दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहा है जो यहाँ पर टेम्पटेड है आपकी तरफ। अदरवाइज जिनको जेन्युइनली रियलाइजेशन होगी वो आपको आके बताएंगे भी। आपने अपनी उस पर्सन के एक्शन पे आपने फोकस करना है गाइस, कि वो एक्शन क्या कर रहा है, आप उसकी वर्डिंग क्या है, वो बोल क्या रहा है, किस तरह से आपको ट्रीट कर रहा है, उसमें कोई चेंजिंग बिहेवियर में आई भी है या नहीं आई, उसकी बेस पे आपने जो है इस पर्सन के लिए डिसाइड करना है कि इसकी आपकी तरफ इंटेंशंस हैं क्या जो वापस आना चाह रहा है। बिकॉज देर इज़ अ टू एनर्जीज, एक डिसेप्शन है स्टिल डिसेप्शन, एक डिसेप्शन हो चुकी है पहले बट वो अभी थोड़ा चेंज होके आ रहा है, वो आपको ऑफर करना चाहता है अपना लव, क्योंकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, आपको प्यार देना चाह रहा है वो इंसान। नाउ आई विल यूज टैरो, देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर मोर क्लैरिटी, हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन आ रहा है, एंटर कौन कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, यूनिवर्स गाइड करिए, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, हु इज एंटरिंग इन माय यूनिवर्स लाइफ एंड व्हाई।
वी हैव नाइन ऑफ कप्स. यस, ये पर्सन की विश कम ट्रू हो गाइस. आप लोग ये पर्सन को आप सेटिस्फाई कर रहे हो इस टाइम, और ये पर्सन अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी तरफ आना चाहता है. इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी. 21 नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए. नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. 39 सेगिटेरियस स्टार साइन. आपका कोई ना कोई इस पर्सन के साथ साइकिल कंप्लीट हुआ है गाइस, दैट्स व्हाई ये वापस आना चाह रहा है. द चैरियट. यस, कैंसर. कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो, बट स्टिल ये पर्सन की विश कम ट्रू हो. आप इसका जो है ना एक ड्रीम कम ट्रू आप हो, क्योंकि ये पर्सन वापस आना चाह रहा है. इसकी सोल को आप काफ़ी सेटिस्फाई करते हो. ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करता है, जो जिनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर छोड़ के कमी महसूस हो रही है, वो वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका कोई साइकिल एक कंप्लीट किया है और ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं. आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शायद लव दे रहे थे, ठीक है, केयर दे रहे थे. अब ये उसी चीज़ को शायद मिस कर रहे हैं और वापस इसीलिए आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है. ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है. इस पर्सन को इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, क्योंकि आपसे कनेक्शन बना के ये पर्सन अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे. इनको लग रहा है इस टाइम इनकी फुलफिलमेंट लाइफ की यही है कि आपके साथ कनेक्शन में दोबारा आया जाए, आपकी लाइफ में वापस आया जाए. तो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट तो होगा इस. वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स. यस, ये आपके बिना काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. टेन ऑफ स्वॉर्ड. ये पर्सन आपका अब ब्रेकअप हो चुका है. ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबकी तरफ से एनर्जी यही दिख रही है. ये पर्सन आपको धोखा दे के गया है. बहुत बुरी तरह से इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको पेन दी है. बहुत बुरी तरह से आप ट्रोमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है. और अभी ये पर्सन वापस आके आपको बताएगा, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन अपने आप को विक्टम फील कर रहा है. यस, लिटरली इस पर्सन ने आपकी बैक स्टैबिंग किया, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है. सा डिसेप्शन एनर्जी. और अभी इस पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. जिस इंसान ने आपको आपकी लाइफ में तोड़ा होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है उसी इंसान को आपकी उससे ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत होती है. तो ये वो एनर्जी है. फाइव ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन इज फीलिंग टोटली इग्नोर्ड. आप लोगों की तरफ से इस पर्सन को टोटली इग्नोरेंस फील हो रही है, क्योंकि पास्ट में आप इस पर्सन को जो अटेंशन दे रहे थे, जो केयर दे रहे थे, वो आपने देनी बंद कर दी है, क्योंकि इसने आपके साथ किया ही इतना बैड है गाइस. ये आपको कंट्रोल करना चाहता था. आपको कंट्रोल करने के लिए इस पर्सन ने हो सकता है काफ़ी स्ट्रेटजीज बनाई थी. इसका कनेक्शन में रहना ही ये था, आपको कंट्रोल करे और खुद चाहे दूसरी जगह पर रंगरलियाँ मनाता रहे. या लड़की लड़का जो भी है भाई, मेल फीमेल जो भी एनर्जी है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर कुछ भी हो सकता है. बट राइट नाउ ये वापस आना चाह रहा है. इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये अब दोबारा विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में. इनकी डिज़ायर यही है कि आपके साथ कनेक्शन में आए, क्योंकि ये पर्सन को सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकता. अट्रैक्शन हो रही है इनको, आपकी तरफ आना चाह रहा है. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोनली है, काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं. इनको लग रहा है आपके बाद इनको कोई भी समझने वाला है ही नहीं है. अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था, तो इस पर्सन का वहाँ पे भी ब्रेकअप हो चुका है. जिसके लिए छोड़ा था वही इसको छोड़ के चले गया है. कैसा है? नाइट ऑफ कप्स आना चाह रहा है विद ऑफर, लव ऑफर के साथ ही आना चाह रहा है आपकी तरफ. मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है, आपके साथ रोमांटिक डेट्स पे जाना चाहता है, आप लोगों के साथ या बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ हो रही है गाइस. ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को, इसीलिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के ये आपकी तरफ आएंगे, ताकि आप दोबारा से इनके साथ वही लव कनेक्शन रखो जो पास्ट में कभी था. इसको था, आप स्टिल इस पर्सन को चेस करते रहोगे, बट आप लोगों ने इस पर्सन के उस सब एक्सपेक्टेशन से ओपोजिट ही कर दिया. कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी है. लव ऑफर लेकर आना चाह रहा है ये पर्सन आपके पास. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी. यस, अदरवाइज यहाँ पे जो स्टार साइंस हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वी हैव क्वीन ऑफ रोड्स. इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी. ये पर्सन को आपका अंदर एक ऐसा दिख रहा है, आप लोग काफ़ी आपने अपने लाइफ के डिसीजंस का चार्ज अपने हाथ में ले रखा है. अब आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं आ सकते. ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकता, बल्कि आप इस पर्सन को आप कंट्रोल करोगे. ये आप ही वापस आता है अपनी आपकी लाइफ में, तो इसको अच्छे से पता है. इस टाइम आपके अंदर इस पर्सन को ऐसी अट्रैक्शन दिख रही है कि आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में. करिश्मा है आप में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू क्या है आपको समझ आ चुकी है. तो अगर ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो ही आपकी लाइफ में टिकेगा, अदरवाइज
नो टाटा बाय बाय, ये एनर्जी है आना चाह रहा है क्योंकि ये आपकी पावर को देख रहा है। या तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में, दैट्स वाई किंग ऑफ रोड्स अ वेरी पावरफुल कपल, या किंग ऑफ रोड्स एंड क्वीन ऑफ रोड्स इट्स अ कपल, इसको लगता है कि आप इसी के लिए बने हो, आप इस पर्सन के सोलमेट हो, दैट्स वाई ये वापिस आ रहा है। आपको धोखा दे के चले गया था लेकिन अभी इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, इसीलिए एंटर होना चाह रहा है दोबारा आपकी लाइफ में। आपके बिना इनकम्प्लीट है, सैड है, अकेला है, अपने आप को बहुत ही बुरा फील कर रहा है, टूटा हुआ विक्टिम फील कर रहा है। आपको आके ये पर्सन रोना सुनाएगा अपना आपको, ताकि आप दोबारा से इस पर्सन के लिए अपने हार्ट को मेल्ट करो, या फिर आप दोबारा इस पर्सन को यू नो अब वही प्यार केयर दो। लेकिन आपने जो है ना बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ अपना दिमाग यूज़ करते हुए इसको ट्रीट करना है, आपके लिए यही जो है ना बेटर रहेगा। आपकी नज़र इस पर्सन पे नहीं है लेकिन इसकी नज़र आप पे है, स्टिल काफ़ी अट्रैक्टेड है ये पर्सन। इस पर्सन का विजन क्लियर है आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि इसने आपकी तरफ आना है क्योंकि अट्रैक्शन इसको आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस पर्सन को इस टाइम आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि शायद आप काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुके हैं। वी हैव टॉयल एंड लेबर, या तो ये पर्सन आप दोनों एक ही प्लेस पे काम करते थे, ठीक है, और आप शायद हो सकता है आपने उस जगह से क्विट कर दिया, आप लोगों ने मूव कर लिया कहीं और, अपनी जॉब को स्विच कर दिया किसी और प्लेस पे, किसी और ऑफिस, तो वो चीज़ें भी ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बुरी फील हो रही हैं। 38 इसकी एज हो सकती है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, 5, 10, 7, 9 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। वी हैव 22 ऑफिशियल पर्सन, या ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है इसीलिए वापस आ रहा है गाइस आपके पास। मिलिट्री, आर्मी, इस पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं बिजनेसमैन, 22 एज, डेट ऑफ बर्थ 20 हाउस, या ये पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, डिसअपीयर, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। मुझे लग रहा है इस पर्सन की, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो है ना काफ़ी बुरी तरह से ना फाइनेंशली भी क्राइसिस से गुजर रहा है। शायद हो सकता है आप लोग इस पर्सन को फाइनेंशली भी सपोर्ट करते थे बट अभी इस पर्सन को वो भी सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो डिसअपॉइंटेड कर रही है बिकॉज ये फाइनेंशली क्राइसिस से गुजर रहा है। इसको शायद जॉब भी नहीं मिल रही, हो सकता है आप लोगों के साथ बुरा किया तो इसको उसी वजह से, शायद अगर आप हेड थे वहाँ पर या आप कोई सीनियर थे तो मे बी आपने इस पर्सन को वहाँ से एविक्ट कर दिया, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी सैड है, काफ़ी मायूसी है इस पर्सन को, डिसअपॉइंटमेंट है। 32 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 20, 5, 4, 2 ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 या तो ये आपके साथ बेसिकली आपके साथ ना शादी करना चाहते हैं कुछ लोग, दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि आप सेटिस्फाई कर रहे हो ना उनको, उनको लगता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो, काफ़ी सेटिस्फाई है, काफ़ी सुकून है आपकी लाइफ में और इनसे आपका सुकून देखा नहीं जा रहा, ये बेसकून है, आप सुकून में हो, वापस आना चाह रहे हैं, इसको अट्रैक्शन हो रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद पर। राइट नाउ ये सिचुएशन है गाइस, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है बट इसको पता है आपकी लाइफ में वापस आएगा तो आप इसका ये हाल करोगे, इसको अपनी जूती के नीचे रखोगे या सीधी सी बात है भाई यहाँ पे जो स्ट्रेट दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अच्छा मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखूंगी क्योंकि जैसा इंसान दिख रहा है आपको इस सिचुएशन में करना क्या होगा, अगर ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, लेट्स सी। वीवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स गाइड करिए वीवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओ मून इन न्यू मून इन कैंसर, कैंसर स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये पर्सन वाटर साइन है, आप और आपका जो लव वंस है ना वो सेव हो गाइस, आपको चिंता की जरूरत नहीं है एक और देखेंगे यहाँ पे, आप इस पर्सन से सच्चे में प्यार करते हो तो ये सेव है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, डेफिनेटली आप हील होगे, कम्युनिकेशन इसकी, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है इस पर्सन के साथ, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर कोई ग्रजिस हैं, कोई गुस्सा है तो आप कम्युनिकेट करिए ताकि आपके दरमियान क्लैरिटी आए, ठीक है। यहाँ पे मून की बात हो रही है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये इंसान और आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी इमोशनल हो, ठीक है। जेमिनी इस पर्सन का स्टार साइंस भी हो सकता है बट आपने बात करनी है, अपने आप को हील करिए, बैलेंस एनर्जी में आइए, वैसे भी मुझे दिख रहा है इसको तो यही लग रहा है आप बैलेंस हो, पर अगर नहीं हो तो आप करिए, ठीक है, बट आप और आपका लव वन सेव हो,
सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.